लाओ साहब मेरा खर्चा दो, मैं चलती है। अरे कटीली, वो ऐसा है आज मेरे पास है नहीं। क्या नहीं है रे साहब? अरे अरे, मेरे पास जितने थे मैंने सब तेरे को दे दिए। क्या बोला रे बुड्ढे, पैसे नहीं है, मजे तेरे को पूरे चाहिए। हाय मेरी कटीली, ओए मेरी कटीली, और पैसा मांगो तो है नहीं तेरे पास। देखो जब तक थे मेरे पास मैं तेरे को देता रहा, आज है नहीं मेरे पास। तो काय को आया कमरे में साले, नहीं थे जब पैसे, नहीं करना था कुछ एंजॉय? तेरी मेरी क्या डील हुई थी, भूल गया रे बुड्ढे? तू मेरा खर्चा चलाएगा और मैं तुझे। अरे जब थे मैंने तेरे को दिए ना, आज नहीं है तो क्या हो गया? तो जब थे तो मजे तभी लेने थे ना, आज काय को लिया रे मजे? ज्यादा शान पट्टी मेरे से करना नहीं बुड्ढे, समझा? कल मैं पूरे 20,000 लेगी। कटीली बहुत हो गया, 4 दिन एंजॉय किया किया बहन चो, तूने तो 50,000 रुपये निकलवा लिए। ओ ठरक बुड्ढे, ज्यादा शाना समझाए अपने आप को। अगर कल तक तूने मुझे 20,000 रुपए नहीं दिया ना, तो मैं सबको बताएगी कि मेरे पेट में जो बच्चे है ना, उसका बाप और कोई नहीं तू है, समझा? है? क्या बच्चा? हाँ बच्चा। पर ये बच्चा मेरा थोड़ी है। तो किसका है रे बुड्ढे? मेरी थोड़ी ना किसी और से शादी हुई है, जो ये किसी और का होगा, तेरा ही है हरामी बुड्ढे। पर ये मेरा कैसे हो सकता है? मजे तू ही लेता है तो तेरा ही होगा ना, पड़ोसी का थोड़ी ना होगा। क्या बहन जो 4 दिन एंजॉय किया बच्चा हो गया, ये मेरा बच्चा नहीं है। हाँ चलो मान लिया कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, पर तुम दुनिया वालों को क्या समझाओगे, क्या बताओगे कि मैंने तो सिर्फ 4 दिन ही एंजॉय किया है? उसे कैसे समझाओगे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? साली कमीनी। जब मैं कहूंगी देखो इसने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे पेट से कर दिया, तो लोग मेरा ही मानेंगे ना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साली कमीनी। बुड्ढे छोड़ेगा तो तब ना जब तू मुझे पकड़ेगा। कल तूने सुबह मुझे 20,000 नहीं दिए ना, तो मैं कल इतना हंगामा करेगी ना तेरे मोहल्ले में। आ गया ना समझ में बुड्ढे, कल तक 20,000 तैयार रखियो। अरे अरे कठिली बात तो सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल करेगी, देखती है कौन मुझे रोकता है। अरे सोला सिंह, ये क्या कर दिया तूने? लोग तो बचपन में गलतियां करते थे, तूने तो बुढ़ापे में कर डाली। ये सब कैसे हुआ छोटू? साहब रोज रुला के चिल्लाता था आंधे आंधे, मैं दुखी हो गया था साहब, मैं गरीब और क्या करता। चंदू क्या है ये सब, क्यों रोज रोज आंधे आंधे करके छोटू को परेशान करते रहते हो? सर माल नीचे ही नहीं आता, क्या करेंगे? साहब मेरा पूरा मुंह फूट गया है, पूरे 69 टांके आए हैं, मेरा खर्चा अब कौन उठाएगा साहब? तेरा खर्चा ये उठाएगा जिसने तेरी ये हालत की है, अब आज से ये तेरी पोस्ट पे और तू इसकी पोस्ट पे। अरे अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? इस साले को ऊपर चढ़ा क्रेन पे जैसे इसने तुझे चढ़ाया था। सर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा और तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? अच्छे भले आदमी के मुंह पे पट्टियां बंधवा दी तुमने। शुक्रिया साहब। साले अब बोल के दिखा आंधे आंधे, और छोटू तू मुझे केबिन में आके मिल। अरे सर ऐसा मत कीजिए। चल भाई तेरे तो लग गए हल, अब मैं निकलता हूँ। अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ? अबे जो हुआ सही हुआ, शुक्र मना, बस तनख्वाही कटी है। छोटू की हालत देख, मरते मरते बचा है वो, अगर मर जाता तो सोच तेरा क्या होता। अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, बुढ़ा हूँ जवान थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ पापा, आराम कर रहे थे क्या? बड़ी देर कर दी दरवाजा खोलने में। अरे बेटा जी आराम क्या करना है, ये देखो आराम करके मेरी क्या हालत होगी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं कुछ। अरे बेटा जी पहले मैं खुद का सारा काम करता था और एकदम चुस्त रहता था, अब देख लो अब फ्री रहता हूँ मेरा शरीर खराब होता जा रहा है। अरे यही तो मैं आपको समझाता था, काम करते रहोगे तो सही रहोगे, पर नहीं आप तो कहते थे बस मुझे तो रेस्ट करना है। नहीं यार सही कहता था तू, पर 2 दिन पहले तो आप बोल रहे थे कि मेरा फिर से जीने का मन करता है। बस यार जी लिया जो जीना है, अब तो साला मरने को दिल करता है। अब ये सारी बातें छोड़िए और खाना लगाइए। अरे खाना तो बेटा जी कब का लगा के बैठूं मैं जहाँ, आज तो बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया कटीली ने? अच्छा बेटा सुन, मैं ये कह रहा था कि आप कटीली को हटा देते हैं काम से,
अरे ये क्या बोल रहे पापा, कल तक तो आप उसकी बहुत तारीफ करते थे, मेरी कट्टू ये मेरी कट्टू वो। हाँ यार, पर काम करता तो सही रहता था, अब मैं सारा दिन फ्री रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। पर उसे हटा देंगे तो काम कौन करेगा, आप तो थक जाते थे, तभी तो उसे रखा था हमने। नहीं यार, अब से सारा घर का काम मैं ही करूँगा, तूने शादी करनी है तो कर, नहीं करनी तो ना कर, अब कटीले को हटा देते हैं, सारा घर का काम मैं ही कर लूंगा। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आपके चक्कर में ही रखी थी काम वाली, अब आपको नहीं चाहिए तो हटा दो। अच्छा सुन, एक बात और करनी थी। बोलिए। बेटा गुस्सा मत करना। अरे बोलिए तो। देख बेटा, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मेरे को बस 20,000 रुपये चाहिए थे। ये क्या बकवास है, पिछले 4 दिन में मैं आपको 50,000 रुपये दे चुका हूँ पापा, अभी आपको 20,000 और चाहिए? हाँ यार, वो अर्जेंट काम है। क्या काम है पापा जिसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं? सब बताऊंगा बेटा, सही टाइम आने पे सब बताऊंगा। सही टाइम? कैसा सही टाइम पापा, आपको क्या लगता है मेरी तनख्वाह 50,000 रोज की है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बस आज आज दे दे, फिर कभी नहीं मांगूंगा पक्का। देखिए पापा, 20,000 का तो नहीं कह सकता कि मेरे पास होंगे या नहीं, सुबह ऑफिस जाने से पहले देखूंगा मेरे पास कितने पड़े हैं, अभी मैं चला सोने, गुड नाइट। अरे उठ जा चमन, ऑफिस का टाइम हो गया। हाँ उठ गया बस। यार ये दिन कितने अच्छे थे जब मैं तेरे को सुबह सुबह खाना बना के उठाता था। हाँ आपके हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और होती थी। जे पता नहीं कटीली बटीली कहाँ से आ गई बहनचोद हमारे दोनों के बीच में। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी आज तो आप उसे निकाल ही रहे हैं काम से, कल से फिर आपके हाथ के खाने को मिल जाएगा। हाँ आज उस साली को काम से निकाल दूंगा, तू जा नहा ले, मैं खाना तैयार करता हूँ। भाभी जी जाइए, जाके कुछ काम धाम कीजिए। काम ही तो कर रही हूँ देवर जी। सुनो चमन जी, जब तुम्हारे भैया काम पे चले जाते हैं तो कभी भाभी के हालचाल भी पूछने आ जाया करो कि भाभी ठीक है भी या नहीं। अरे आप तो ठीक ही हैं, क्या हुआ है आपको? मेरी बीमारी तुम क्या जानो चमन बाबू। अजीब खुजली है इसे भी। लाइए पापा खाना रेडी है। हाँ बेटा जी बिल्कुल रेडी है, आज तो मैंने बनाया अपने लाल के लिए खाना। जे ले। चलिए निकलता हूँ मैं। वो रात में तेरे को पैसे बोले थे 20,000 रुपये। देखिए पापा, सुबह नहाने से पहले मैंने चेक किया था, मेरे पास कुल मिला के ये करीब 10,000 रुपए पड़े हैं। देखिए बेटा जी, मेरे को तो 20,000 आज ही चाहिए, उससे एक पैसा भी कम नहीं। पर मेरे पास पापा 20,000 रुपए नहीं है अभी। देख अब तो ये तेरे को देने ही पड़ेंगे, मेरे को बहुत जरूरी काम है। पापा देखिए, मेरी जेब में जितने थे वो मैंने आपको निकाल के दे दिए, अभी अगर आपको बहुत ही जरूरी चाहिए तो मैं अपने सेविंग्स में से निकाल के आपको दे देता हूँ। हाँ आज आज तो दे, थोड़ा जरूरी है काम। अच्छा रुकिए, वैसे तो ये पैसे मैंने आपके लिए और अपने लिए बचा के रखे थे, पर अब आपको बहुत जरूरी काम है तो देने पड़ेंगे। ये लीजिए आपके 10,000 और अब आपके पूरे हो गए 20,000। हाँ बेटा जी। चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं रात में। ओके बेटा बाय। जे क्या कर रहा है तू सोला सिंह, अपने बच्चे की कमाई तू अपनी ऐश में उड़ा रहा है, इतना तो नहीं था तू गिरा हुआ सोला सिंह। आज ये 20,000 उसके मुंह पे मार के निकाल दूंगा साली को काम से। हटिए आगे से, यहाँ खड़े खड़े मुझे ही ताड़ते रहेंगे क्या? देख कटीली, अब ऐसा है, हमने तेरे से और काम नहीं करवाना, कल से अपना काम पे मत आना। अरे ऐसे कैसे नहीं करवाना काम, चलिए हटिए आगे से। अरे बोला ना नहीं करवाना काम, सुनती क्यों नहीं है तू? क्या रे शोले, ये क्या बात हुई, जब मन किया मजे ले लिए और जब मन किया काम से निकाल दिया। तूने 20,000 रुपये मांगे थे ना, जे पकड़ और निकल जहाँ से। ऐसे कैसे निकलो, डील ये हुई थी कि तुम मेरे खर्चे चलाओगे और मैं तुम्हारे, 20,000 में थोड़ी ना चल जाएंगे मेरे पूरी जिंदगी भर के खर्चे। अब मेरे को और एंजॉय नहीं करना ना। अब तुम्हें एंजॉय करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पर पैसे तो मैं रोज लेगी साहब। अब जाके जल्दी से सफाई खत्म करो, तब तक मैं यहाँ रेस्ट करती, फिर करेंगे एंजॉय।
चलो गिटेली, अब होगी सफाई, चलो अब जाओ। नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं जाएगी, पहले तुम एंजॉय करो, फिर मुझे पूरे 20,000 दो, फिर मैं जाएगी। पर मुझे नहीं एंजॉय करना, चलो अब जाओ जान से। देखो साहब, तुम्हें एंजॉय करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पर पैसे तो मैं रोज लेगी। अब तुम्हें तय करना है कि तुम बिना एंजॉय करे पैसे दोगे या एंजॉय करके। अब आए ना शुले जोश में। चल चल शोले, साइड हो, मुझे दबा के मारने का प्लान है क्या? चलो चलो जल्दी खड़े हो और मुझे मेरे 20,000 दो, फिर मैं जाएगी। अब देखो गटीली, अब ऐसा है मेरे पास 10,000 ही हैं। बुड्ढे, कल मैं क्या बोली थी, मुझे 20,000 चाहिए, समझ में नहीं आता है तेरे को? देख, समझ तो मेरे को आ गया सब, अब पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? जे 10,000 पड़े हैं, जे तू ले ले। कल तो मैं चुपचाप बिना पैसे लिए चली गई थी, पर आज आज मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पूरे 20,000 दे, वरना मैं तेरे मोहल्ले में हंगामा मचाऊंगी। है ही नहीं तो कहाँ से दूं? है ही तो, तेरे पास बहुत पैसे रहे बुड्ढे। उस दिन जिस अलमारी से पैसा निकाल के दिया था ना, उसी अलमारी से अभी निकाल के दे बुड्ढे। जे पकड़ 10,000 और निकल जान से, कल से आना नहीं, हमें नहीं करवाना तेरे से और काम। देखो साहब, काम करवाओ या मत करवाओ, पैसे लेना तो मैं आएगी रोज, और कल मुझे पूरे 30,000 चाहिए, समझे? क्या 30,000? अब मेरे पास और फूटी कौड़ी नहीं है तेरे को देने के लिए। वो तो कल ही देखेंगे साहब, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, वरना मोहल्ले के एक एक घर जाके बताऊंगी कि ये मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो और किसी का नहीं, ये चमन चूतिए के बाप का है, समझे? कटेली, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, समझी? कल पैसे नहीं दिए तो बिल्कुल करूंगी साहब। वैसे तो ये पैसे मैंने आपके लिए और अपने लिए बचा के रखे थे, पर अब आपको बहुत जरूरी काम है तो देने पड़ेंगे। चल चल जल्दी से ऊपर चढ़, फिर मैं चिल्लाऊंगा आंधे आंधे। देख छोटू, ऐसा है। छोटू किसे बोला बे? मैं साहब हूँ, तू छोटू है। अच्छा अच्छा साहब, देखो तुम्हें ऊपर चढ़ना आता है तो तुम ऊपर चढ़ जाओ, हम नीचे से तुम्हें आवाज देते रहेंगे। क्या चाहता है? मेरी एक ही आंख बची है, वो भी फूट जाए? अब चढ़ता है ऊपर या सर को बुलाऊं? अरे अरे रुक, चढ़ता हूँ। अब मैं तुझे बताऊंगा नीचे से आंधे आंधे कैसे लाया जाता है। चलो यार, तुम दोनों की लड़ाई है, तुम दोनों ही संभालो, मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई, तुझा मजा कर, मेरे तो लगने वाले हैं। अरे क्या बात है, आज पहले ही सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अरे आज सारे दरवाजे वगैरह खोल के बैठे हो, क्या बात है? बस बेटा जी, आज दिल नहीं लग रहा घर में, जी सा घबरा रहा है। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? हाँ यार सब ठीक है। ठीक है फिर, आप खाना वगैरह गर्म करिए, मैं तब तक कपड़े बदल लेता हूँ। यार आज बाहर चल के खाते हैं खाना, बहुत दिन हो गए बाहर निकले। अरे बाबा आज बहुत थक गया हूँ यार काम करके, कभी फिर किसी और दिन चलेंगे, आज नहीं। अबे चल ले साले, फिर पता नहीं जिंदगी में जो मौका मिले या ना मिले। क्या हुआ पापा, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? अरे मेरा मतलब बाहर जाने का दोबारा मूड बने या ना बने, आज ही चल ले। चलिए ठीक है, अगर आपको बाहर ही खाना है तो चलते हैं फिर। अच्छा तो अभी काम से आए, बैठ के पानी पी ले फिर चलते हैं। क्या बात है, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? अरे ले लो बेटा जी, बाप का प्यार किस्मत वालों को मिलता है। ले बेटा चमन, पानी पी। चलें बेटा जी? हाँ चलिए। वैसे आज एकदम अचानक बाहर डिनर का कैसे मूड बन गया आपका? बस यार तेरे साथ टाइम जा रहे बहुत टाइम हो गया था, और तेरे साथ ढेर सारी बातें भी करनी थी। अरे वाह, ऐसे मूड में तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बेटा जी तुम पूछते थे ना जे मैं पैसों का क्या करता हूँ। हाँ पापा बताइए ना। हाँ सब बताऊंगा बेटा, जो जो पूछेगा ना सब बताऊंगा। लीजिए आ गया रेस्टोरेंट, आइए पापा आइए बैठिए। बताइए क्या खाएंगे आप? बेटा जो तुझे खाना है ना वो ही मंगा ले। ओके वेटर। आया साहब। क्या लगाऊं साहब? बताइए क्या खाएंगे? मेरे लिए फुद्दा फ्राई। ओके वेटर, दो प्लेट ले आओ यही। अभी लाया सर।
तो बताइए पापा, आप क्या बताने वाले थे, क्या बातें करने वाले थे? सब बताऊंगा बेटा, पहले खा तो लूं, ये पता नहीं जिंदगी में दोबारा टाइम देखने मिलेगा या नहीं। अरे पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जेल है, खाना आ गया, शुरू कर। साहब टेबल पे रख दूं या मुंह में दे दूं सीधा? अबे टेबल पे रख दे, हम खुद खाएंगे। चलिए अब बताइए। यहाँ यहाँ इतने शोर में नहीं, चल के गाड़ी में आराम से बताऊंगा। ओके रुकिए, मैं बिल दे के आता हूँ। कितने हुए वेटर? 800 यूसी। ये ले। चलिए बताइए अब। देख बेटा, आज जो मैं तेरे को बताने वाला हूँ, शायद सुन के तेरे को मेरे से नफरत हो जाए। क्या हुआ पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही कह रहा हूँ बेटा, इंसान बचपन में गलतियाँ करता है, जवानी में गलतियाँ करता है, पर तेरे इस बूढ़े बाप ने बुढ़ापे में ही गलतियाँ कर डाली। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज खुल के बताइए ना। गाड़ी रोक। अरे हुआ क्या पापा? मैंने कहा गाड़ी रोक। पर यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई, इतनी रात गए वो भी सुनसान पुल पे। देख वहाँ, ये जगह याद है? हाँ पापा, ये तो वही है जहाँ मैं बचपन में आपसे आने की जिद किया करता था। हाँ तो मेरे को अक्सर बोलता होता था बचपन में, पापा मेरे को नाइटफॉल देखना है, नाइटफॉल देखना है। पापा वो नाइटफॉल नहीं, वाटरफॉल होता है। अरे हाँ हाँ, वही वाटरफॉल, जब हम जहाँ पे आके खड़ते थे तू बोलता था पापा मेरे को और ऊपर चढ़ना है, पापा मेरे को और ऊपर चढ़ना है। अरे अरे पापा कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो। अरे पापा भागिए मत, आपकी कमर लचक जाएगी बुढ़ापे में। अरे पापा आराम से, आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। हाँ याद है तेरे को जय जगह, याद है? हाँ हाँ सब याद है। अरे आपने तो मेरी सांस ही फुला दी। तू भी बचपन में भाग कर जहाँ ऐसे ही चढ़ जाया करता था। हाँ हाँ पापा मुझे सब याद है, पर आप मुझे यहाँ लाए क्यों? देखना बेटा, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी अब वहाँ पे खत्म हो रही है। पापा देखिए बहुत हो गया, आपकी ऐसी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है, साफ साफ बताइए ना आप कौन सी गलती की बात कर रहे थे। देख बेटा, मेरे से बुढ़ापे में ऐसी गलती हुई है जो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसा क्या किया है पापा आपने? बेटा बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती, कुछ बताइए तो। बेटा मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने कटीले के साथ दे जिगल कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ बेटे, तू रोज पूछता था ना कि तू इतने पैसे का क्या करता है, मेरे को गटीली को देने होते थे गलत काम करने के लिए। पापा आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी इस बुढ़ापे में। हाँ बेटा, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे। बेटा चलिए पापा अब रोइए नहीं, मैं गटीली से बात करूंगा। पापा बात इतनी सी होती तो कुछ नहीं होता बेटा, पर कटीली के पेट में तेरा भाई है। क्या आपने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया? मुझे जोर जोश में पता ही नहीं चला बेटा। ओह शिट, ये क्या किया पापा आपने? बेटा मैं तो दाग के साथ जी लूंगा, पर टेंशन मेरे को तेरी है, भी तेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरे घर के तेरे को ताने सुनने पड़ेंगे। नहीं पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं बेटा कुछ ठीक नहीं होगा, इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या पापा? जे मैं जीता रहूंगा बेटा तो तेरे को दुनिया ताने बाने मारती रहेगी, जे मैं मर जाऊंगा तो दुनिया दो दिन में भूल जाएगी, तू अच्छी जिंदगी जी पाएगा बेटा। नहीं पापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। बाय बाय बेटा, जे हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। बाय बाय बेटा। पापा ना, oh